न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली खबर आ रही है राजपुर से, जहां राजपुर से 4 किलोमीटर दूर गांव सनगांव सनगोदा रोड पर एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार गति से युवक को टक्कर मार दी है। बता दें, टक्कर इतनी गंभीर थी कि युवक रोड साइड जाकर गिरा है। वहीं गिरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। भारी भीड़ लोगों की जमा हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का नाम रवि ओम प्रकाश, उम्र 28 वर्ष, निवासी सनगोदा का रहवासी बताया जा रहा है, जो अपना कार्य करके घर वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। वहीं दूसरी खबर आ रही है अंजड़ से, जहां रिटायर हुए आर्मी जवान के अंजड़ नगर में आगमन पर उनके सम्मान में रविवार को यादव समाज द्वारा आयोजित की गई रैली। नगर में विभिन्न समाजों के द्वारा किया गया भव्य स्वागत। अंजड़ के भांजे दामाद, जो देश की सेवा कर रिटायर होने पर नगर में एक भव्य रैली निकालकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही कोरोना काल में रिटायर होकर वापस आए और लॉकडाउन लगने से जिन वीर जवानों का कोई स्वागत सम्मान नहीं हो पाया था, उनका भी गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। दरअसल अंजड़ के भांजे दामाद, जो अब अंजड़ के रहवासी बन चुके हैं, वीर सैनिक बलिराम यादव सहित अन्य सैनिकों का अभिनंदन किया गया। उनकी स्वागत की मेजबानी में युवा संगठन, माताएं बहनें सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान नगर में आगमन पर सर्वप्रथम उनकी सासू मां ने अस्पताल चौक में तिलक वंदन कर उनकी आरती उतारी, जिसके बाद सभी उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। जिसके बाद नगर में उनके चल समारोह में चलित वाहन में किसी ने हार पहनाकर तो किसी ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। वह उनके साथ आर्मी के रिटायर अन्य सेना के जवान और नगर के यादव व अन्य समाजजन भी चलते दिखाई दिए। सारे नगर के प्रतिष्ठित सारे समाज और सारे नागरिकों को मैं सूबेदार बलिराम यादव आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे 30 साल सर्विस करके घर वापसी के ऊपर ये जो मुझे सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं चाहता हूं कि एक सैनिक जब भी अपनी कार्यकाल समाप्त करके आए तो सारे नागरिकों का भी फर्ज है कि वो इस तरह से उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी उस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में देखे और वो उससे उत्साहित हो कि आखिर हमारा देश सैनिकों का किस प्रकार से सम्मान करता है। मैंने अपना कार्यकाल शुरुआत, जो मैं सेना में भर्ती हुआ था 26 अगस्त 1992 में, एज ए सिपाही के रूप में मैं अपना भर्ती शुरुआत हुई थी। सेना के अंदर अपना योग्यता साबित करने के लिए समय समय के ऊपर उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना होता है, फिर फर्दर प्रमोशन एक रैंक से दूसरे रैंक में जाते हुए सिपाही से फिर लेस नायक, नायक, नायब सूबेदार, हवलदार, फिर नायब सूबेदार, सूबेदार, इस तरह से जो प्रमोशन का जो चैनल है वो सारा मैंने क्वालिफाई किया। और इस क्वालिफाई करते हुए मैंने आज 30 साल सर्विस के दौरान में सूबेदार रैंक प्राप्त किया और अब 30 साल सर्विस कंप्लीट करके मैं देश सेवा के बाद में अब समाज सेवा से जुड़ना चाहता हूं और आगे अपना भविष्य जो भी है लोगों की सेवा करना चाहता हूं।